हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द जेएन स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और द जेएन स्मार्ट क्लासेस आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया है। ठीक है मेरे मित्र, कौन से टॉपिक को लेकर के आया है आप लोगों के सामने? तो आप लोगों के सामने लेकर के आया है ईंट। क्या लेकर आया है? ईंट और उसके अवयव। इंग्लिश में देखें तो ब्रिक एंड देयर कंपोनेंट्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। ओके मेरे मित्र, ये समझ में आ गया ना क्या आज हमको पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है ईंट के बारे में, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं। और ये कौन से सब्जेक्ट का है मित्र? तो ये सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का ईंट ब्रिक्स आज हम पढ़ेंगे। और ब्रिक्स पढ़ेंगे, ये सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्र, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी के सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में ब्रिक तो कंपलसरी, सिविल इंजीनियरिंग ध्यान से सुने, ब्रिक कंपलसरी होता है। ठीक है, और ब्रिक से अच्छे खासे नंबर उठते हैं। तो पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और पहले चैप्टर का नाम क्या था? स्टोन। स्टोन को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को आज से ब्रिक पढ़ाऊंगा, और 4 से 5 दिन के अंदर ब्रिक को भी कंप्लीट कर दूंगा। और फिर उसके बाद ब्रिक के क्वेश्चंस जो होंगे, क्या एग्ज़ाम में कैसे पुटअप किए जा रहे हैं, वो सभी के सभी आप लोगों को सोल्यूशन कराया जाएगा। ओके मेरे मित्र, तो चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो उसके लिए ब्रिक कंपलसरी है। और मैं और देखिए, आपका एसएससी जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में भी, आईईएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ हैं डियर फ्रेंड्स। ये स्मार्ट क्लासेस है, और आप लोगों को दिख रहा होगा कैसे स्मार्ट क्लासेस है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग किसी भी स्टेट के हों, या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हों, या आईईएस की तैयारी, या गेट की तैयारी कर रहे हों, या पीएसयू की तैयारी कर रहे हों, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हों इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ लगे रहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और जब तक आप लोग मिशन नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी काम, मैं बार बार ये कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ, मिशन जब तक नहीं बनाएंगे सफलता तो मिल जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक मिशन, एक जोश, एक जुनून, एक उत्साह के साथ द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ लगिए, और अपनी तरक्की को देखिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास होती है। तो ठीक है, आइए चलते हैं, लेट अस स्टार्ट नाउ विद द जेईएन स्मार्ट क्लासेस। आइए द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ अपने ब्रिक्स चैप्टर को देखते हैं, ईंट के चैप्टर को देखते हैं, आखिर ईंट में क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमको कैसे ट्रिक लगा करके आना है, और क्या क्या ट्रिक लगा करके आना है। डियर फ्रेंड्स, आप द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ लगे रहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं, आप कहाँ कहाँ आ गए हैं, ईंट के पास आ गए हैं। जैसा कि आप लोग ब्रिक्स का ब्रिक मतलब क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ईंट कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो ईंट होता है, सबसे पहले हम देख लें आखिर ईंट कैसा होता है। हर कोई देखा होगा ईंट कैसा होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ब्रिक्स कैसा होता है हर कोई देखा होगा। तो ये आपके सामने कुछ सैंपल मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, ये ब्रिक्स हैं, ठीक है, ये ईंटें हैं, और ईंटें हैं तो ईंटों का सबसे पहले शेप क्या होता है बताइए आप लोग, बहुत से सभी सिविल इंजीनियर हैं, और सभी लोग बताइए ईंट का शेप क्या होता है, कमेंट में मेरे आना चाहिए। अगर मैं वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कमेंट में जरूर आना चाहिए ईंट का शेप क्या होता है। तो ईंट का शेप मेरे मित्र होता है क्या, क्यूबोडियल। ठीक है, CUBOIDAL, तो क्यूबोडियल शेप का होता है। ठीक है, मतलब ये क्यूब क्यूब होता है। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये इस तरह का शेप यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, तो ये क्यूब का शेप बना हुआ है डियर फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने है, कौन से शेप में होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ईंट कौन से शेप में होता है, तो आपको लगाना, कहाँ लगाना, लगा करके आना होगा, क्यूबोइड। क्या होता है, क्यूबोइड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं, एक ईंट हमारे सामने है, और ईंट के कौन कौन से भाग होते हैं, ईंट को कैसे, मतलब किसको क्या कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जान लीजिए, जो हमारा लंबाई और गहराई में होता है, कहाँ, जिसकी लेंथ और डेप्थ होती है, उसको कहते हैं स्ट्रेचर। मतलब ये जो हमारे सामने ये भाग है, इसको क्या कहेंगे डियर फ्रेंड्स, इसको कहेंगे स्ट्रेचर। ठीक, कौन सा भाग, ये वाला भाग,
जो हमारा है ये कहेगा कहलाएगा क्या, स्ट्रेचर। देखिए ये लेंथ है और ये हाइट या डेप्थ, जो आप कहिए। अगर मैं डेप्थ कह रहे हैं या हाइट, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये लेंथ और ये डेप्थ, इसको कहते हैं स्ट्रेचर। देखिए ईंट का ये भाग, एक एक भाग एक इसको कहे, दूसरी बात यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हेडर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हेडर कहते हैं। ठीक, तो हेडर में क्या क्या आता है देखिए दोस्त, जितने भी बातें द जी एन स्मार्ट क्लासेस बोलता है, कहता है, जो दिखाता है, सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान से पढ़िए, हर एक बात को सुनिए। स्ट्रेचर आप बताइए, स्ट्रेचर नहीं पूछा जाता है? पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स। स्ट्रेचर आपको दे देगा लेंथ गुड़े विड्थ, दे देगा लेंथ गुड़े क्या कहते हैं हाइट, ऐसे मतलब हर एक चीज़ दे देगी। और आपको ट्रिक लगा के आना है, किस पे ट्रिक लगा करके आएंगे डियर फ्रेंड्स? लेंथ दिया रहेगा और विड्थ दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको विड्थ नहीं, ये डेप्थ है, लेंथ और डेप्थ अगर में दिया रहेगा तो वो आपका कहलाएगा क्या, आपका कहलाएगा स्ट्रेचर। तो एग्जाम में यही पूछेगा, आपको चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको लेंथ और डेप्थ पे लगा करके आना है ट्रिक स्ट्रेचर के लिए। अब हेडर की बात करें तो हेडर कैसे आप जानेंगे कि ईंट है और कौन सा भाग उसका हेडर कहलाएगा, जिसमें ये क्या है विड्थ है और ये क्या है डेप्थ है, जिसमें विड्थ और डेप्थ दिया रहा है मतलब कि क्या चौड़ाई और गहराई दिया रहा है, जिस ईंट का वह भाग जिसमें जिसका डायमेंशन लंबाई और क्या कहते हैं चौड़ाई और गहराई लेते हैं उसको कहते हैं हेडर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये दोनों समझ में आ गया, स्ट्रेचर किसे कहते हैं और हेडर किसे कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेचर हेडर की बात। अब हम आते हैं देखते हैं बीच में क्या एक गड्ढा सा खुदा रहता है उसको क्या कहते हैं, एक होल बना रहता है उसको क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? वो कुछ गहरा होता है, उस पर कुछ अक्षर इंग्लिश लेटर छपे होते हैं, कुछ मैथमेटिकल भी लेटर छपे हुए होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल लेटर छपे हुए होते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी लिखा रहता है। यहाँ पर लिख देता है, क्या लिख देता है, राम लिख देगा, या इस पर लिख देगा JEN लिख देगा, मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ लिखा रहता है और यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसको क्या कहते हैं? तो डियर फ्रेंड्स उसको कहते हैं फ्रॉग। उसको क्या कहते हैं? फ्रॉग। देखिए मित्र, इसी माने मेढक भी होता है, इसका मीनिंग मेढक भी होता है, वो मेढक मत समझिएगा। ये फ्रॉग जो होता है, यहाँ पर जो गड्ढे बने रहते हैं, गड्ढे बने हुए थे, हर ईंट में यहाँ पर एक फ्रॉग रहता है, हर ईंट में एक फ्रॉग रहता है, इसी को कहते हैं फ्रॉग। ठीक, ये जो गड्ढा बना हुआ है, जो स्पेस छूटा हुआ है, इसको फ्रॉग कहते हैं। अब हम ये ईंट के बारे में जान गए, ईंट कैसा होता है, क्यूबोडियल शेप का होता है, फिर हम जान गए स्ट्रेचर क्या होता है, ठीक, फिर हम जान गए हेडर क्या चीज़ होता है, फिर हम जान गए फ्रॉग क्या होता है। अब बताइए डियर फ्रेंड्स, ईंट में क्या होता है? ईंट में कुछ होता है और कुछ, और कुछ नहीं होता है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, गहराई होती है, ये चीज़ें होती हैं, बीच में स्पेस हो गया, ये रहा ईंट। अब हम क्या जानेंगे डियर फ्रेंड्स, ये ईंट आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर नाम छपा हुआ है कि नहीं, बीच में गड्ढा स्पेस है और बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गए आपके। अब देखिए जो बीच में स्पेस छूटा हुआ होता है, जिसको हम फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग का डायमेंशन क्या होता है, हम कितना अधिक से अधिक रख सकते हैं फ्रॉग को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे ये टोटल, पहले हम जान लें क्या जान लें पहले हम जान लें क्या ब्रिक की साइज क्या होती है। जब ब्रिक की साइज जान लेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि मतलब फ्रॉग जो है उसकी साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखें हम आगे, देखें क्या चीज होता है। तो आगे हम देखते हैं ईंट की साइज क्या होती है। डियर फ्रेंड्स, ईंट की साइज दो होती है, कौन कौन सी होती है, तो इसको आप इस हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सी होती है, आपके सामने आ चुका है कौन कौन सा ईंट होता है। तो ईंट की साइज दो होती है, आपकी स्टैंडर्ड्स एक ये होती है और एक ये होती है, कौन कौन सी हुई अब देख लें। देखिए एग्जाम में क्या होगा, स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर साइज, ठीक, ये दोनों एक ही नाम है, या तो आप इसको स्टैंडर्ड कहिए या तो मॉड्यूलर साइज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो एग्जाम में कुछ भी दे देगा और पूछेगा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक बताइए, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा, या एग्जाम में पूछ लेगा मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होती है, मतलब ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज होती है 19x9x9, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, या तो यह साइज रखेंगे या तो इसको कम कर देते हैं, कितना कर देते हैं 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक, 19x9x4 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो ये होती है ब्रिक्स की साइज,
ब्रिक्स की साइज समझ में आ गया, स्टैंडर्ड साइज समझ में आ गया, या तो स्टैंडर्ड कहिए या तो मॉडुलर कहिए, और दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 19x9x9 या 19x9x4, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड साइज। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल या यूजर या कॉन्वेंशनल साइज, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक, कुछ भी एग्जाम में दे सकता है मेरे मित्र। आपको आप याद करके जाइए ट्रेडिशनल साइज, ब्रिक की ट्रेडिशनल साइज क्या होती है, और आ गया यूजर साइज, हमको बताइए ब्रिक की यूजर साइज क्या होती है। तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स। अब मैं साइज की बात करूँ तो साइज यहाँ पर आ जाइए और देख लीजिए साइज, जैसे यहाँ से यहाँ यानी कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये 19 होनी चाहिए। अब हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज की बात कर रहे हैं फिगर के द्वारा। देखिए ये आपकी जो साइज होती है, लेंथ जो होती है कितनी होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब आपका ये जो विड्थ यानी कि चौड़ाई जो दिया हुआ है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कितना, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर एक और गहराई होता है, गहराई कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो आपका स्टैंडर्ड साइज क्या बन गया, 19x9x9, ऐसे ही एग्जाम में आता है मेरे मित्र, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड साइज जान गए, ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, डायमेंशन भी आप देख लिए, ईंट को आखिर 19 को कहाँ दिखाएंगे, 9 को कहाँ दिखाएंगे, 9 को कहाँ दिखाएंगे, इस तरह से आप स्टैंडर्ड या मॉडुलर साइज आप जान लिए। दूसरे नंबर पर आता है ट्रेडिशनल साइज। ट्रेडिशनल साइज क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल साइज बहुत से उद्योग धंधे हैं वहां पर इस साइज की ईंटें बनाई जाती हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो ये 9x4 सहित 3/8x2 सहित 3/4, ठीक, तो ये इंच में है, ट्रेडिशनल साइज इंच में बने हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 4 सहित 3/8 हो गया, 2 सहित 3/4 हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये ट्रेडिशनल साइज है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ इसको भी ध्यान देंगे, 9 इंच होता है, ठीक, 9 इंच होता है। फिर उसके बाद लेंथ के बाद क्या आता है, विड्थ आता है यानी कि चौड़ाई आती है। तो चौड़ाई में क्या है डियर फ्रेंड्स, चौड़ाई में क्या है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये डेप्थ हो गया। तो इस तरह से आप लेंथ, विड्थ और डेप्थ को जान लिए और ये ट्रेडिशनल साइज भी जान लिए। अब आप आते हैं नॉमिनल साइज। ये नॉमिनल साइज देखिए कुछ होता नहीं है डियर फ्रेंड्स, नॉमिनल साइज कुछ होता नहीं है। नॉमिनल साइज जो स्टैंडर्ड साइज है, इसी में थोड़ा सा सुधार किया जाता है। और सुधार क्या किया जाता है, सुधार कुछ नहीं किया जाता है, कुछ अलग से जोड़ा जाता है जिससे नॉमिनल साइज का निर्माण हो जाता है। और देखिए मैं बता रहा हूँ नॉमिनल साइज किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ईंट है और यहाँ पर कुछ यानी कि यहाँ तक ईंट है और यहाँ इसके चारों तरफ क्या करते हैं, जब जोड़ैया करते हैं तो आप क्या करते हैं, इधर आप क्या करते हैं, इधर मसाला भरते हैं, मसाला भरने के बाद तब फिर एक और ईंट लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, मसाला भरते हैं, मसाला भरने के बाद फिर एक और ईंट लगाते हैं। इसी तरह इधर भी किया जाता है, यहाँ पर मसाला भरते हैं और मसाले भरने के बाद फिर एक ईंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं मेरे मित्र, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ इधर भी मसाला भरा जा रहा है और इधर भी मसाला भरा जा रहा है। ऐसे मान लीजिए चारों तरफ मसाला भरे जाएंगे तो क्या होता है, ईंट में ये इधर इसका आधा ले लीजिए, आधा इसका इधर से ले लीजिए, आधा इसका इधर से और आधा इधर से, तो मतलब क्या है, और मसाला कितने सेंटीमीटर भरते हैं। तो कोड का प्रावधान है कि मसाले की मोटाई, दो ईंटों के बीच मसाले की मोटाई 1 सेंटीमीटर तो अवश्य रहना चाहिए। कोड का प्रावधान है डियर फ्रेंड्स, कोड IS कोड हमारा कहता है 2 ईंटों के बीच 1 सेंटीमीटर जो है मसाला हमको भरना ही भरना है, चाहे इधर से भरें चाहे इधर से भरें, तो ठीक है। तो ये समझ में आ गया कोड क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर हमको मोटाई में मसाला भरना है, ये कोड कहता है। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं इधर से आधा सेंटीमीटर, इधर से आधा सेंटीमीटर ले लिए, इधर से भी आधा सेंटीमीटर और इधर से भी आधा सेंटीमीटर। तो ये साइज जो हो गया, ये 19 था, यहाँ से यहाँ तक 19 था, लेकिन इधर भी आधा सेंटीमीटर बढ़ा, इधर भी आधा, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। इधर से भी क्या हो गया, 9 था, इधर आधा बढ़ा है और इधर भी आधा बढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों साइड में आधा बढ़ा, तो 9 से ये भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और डेप्थ भी जो आपका है ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका
ये नॉमिनल साइज होता है। तो स्टैंडर्ड साइज समझ में आ गया, ट्रेडिशनल साइज समझ में आ गया, और नॉमिनल साइज समझ में आ गया। एग्जाम में पूछता है मॉड्यूलर साइज या स्टैंडर्ड साइज, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर पूछेगा ट्रेडिशनल साइज या यूजर साइज या कन्वेंशनल साइज, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर आपको पूछेगा नॉमिनल साइज, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है डियर फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड, मॉड्यूलर, ट्रेडिशनल, ये तीन नाम तो हर किसी को पता रहता है, लेकिन ये नाम और ये नॉमिनल साइज नहीं पता होता है। तो जब मसाले के साथ गिनती करते हैं उसके साइज को, देखिए 20 × 10 × 10, तो मसाले के साथ जब गिनती करते हैं तो इसमें भी एक जुड़ जाएगा, इसमें भी एक जुड़ जाएगा। स्टैंडर्ड में मतलब हर एक साइज में एक एक सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाएगा। तो जब वृद्धि होगा तो कितना है, 19 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा 10, 9 से क्या हो जाएगा 10। तो स्टैंडर्ड साइज ही नॉमिनल साइज में कब बदलता है, जब उसको मसाले के साथ लेते हैं तब बदलता है। तो ये हो गया साइज या ब्रिक, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पिछले साल कई सेट में आया था मॉड्यूलर साइज बताइए, मॉड्यूलर साइज बताइए। एसएससी जेई में पिछले साल कई सेट कई पेपर में आया हुआ था डियर फ्रेंड्स, मॉड्यूलर साइज क्या होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल साइज क्या होती है, कई सेट में आया था, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये छोटी सी बात रही। अब हम क्या करते हैं, आपको ईंट भी दिखा दिए, ईंट कैसी होती है ईंट। अब देखिए जो फ्रॉग होते हैं उसकी साइज क्या होती है, फ्रॉग मतलब जो स्पेस होता है बीच में उसकी साइज क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स जो बीच में स्पेस होता है उसकी गहराई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गहराई कितनी होनी चाहिए, 10 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये गहराई हो गया, डेप्थ हो गया 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम आते हैं, ये 10 से 20 सेंटीमीटर याद कर लीजिए, गहराई कितनी होती है फ्रॉग की, गहराई 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। अब क्या है, जैसे कि यहां से यहां तक क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, सॉरी डियर फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर तो क्या होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर, ये कितना होता है 10 से 20 mm होता है, सॉरी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ये हमारा होता है, ठीक है, ये mm में होता है, सॉरी, ठीक। तो ये फ्रॉग जो बनते हैं, जो मतलब होल बीच में बनाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसकी डेप्थ कितनी होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर, mm में होती है 10 से 20 mm, ठीक। अब हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं ये टोटल चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक, 10। ये किस कौन से, ये ट्रेडिशनल, ये नॉमिनल साइज की बात कर रहे हैं। अगर मैं हम आ जाएं स्टैंडर्ड साइज में तो 9 होती है, कितनी 9 होती है, तो आप बताइए 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर है ये टोटल, 9 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो अब बताइए ये सेंटीमीटर है, और ये यमम में मतलब ये क्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ये यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर होगी, जो गहराई होगी 10 से 20 होगी, और जो इसकी लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये जितने भी माप दिए गए हैं ये mm में दिए गए हैं, ठीक, तो इसको mm में याद कीजिए, यहाँ mm में है, और आप याद कर लीजिएगा सेंटीमीटर में कितना होता है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, कुछ भी दे सकता है। तो mm में याद रहेगा तो सेंटीमीटर में आप क्लिक कर लेंगे, सेंटीमीटर में याद रहेगा तो mm में भी क्लिक कर लेंगे, तो कोई एक याद कर लीजिए सेंटीमीटर, अगर मैं mm में याद कर रहे हैं तो mm में याद कीजिए, सेंटीमीटर में याद कर रहे हैं सेंटीमीटर में याद कीजिए। तो ये ईंट रहे, ईंट के पार्ट मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं ये आप देख लिए, ठीक। अब हम आते हैं, साइज भी आप देख लिए हैं, अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, मतलब कि जो ईंट होते हैं वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे आपका शरीर है पंचतत्वों से बना हुआ है, उसी तरह से ये क्या है, ईंट होता है, ईंट भी हमारा कुछ चीज़ों से बना हुआ होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, कुछ कंपोनेंट्स से बना होता है, और छोटे छोटे चीज़ों से मिल, छोटे छोटे मटेरियल्स मिला करके एक ईंट का निर्माण किया जाता है। तो देखते हैं अगर मैं हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स ईंट बनाते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट हमको, किस किस इंग्रेडिएंट की हमको ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको सिलिका की ज़रूरत होगी, क्या ज़रूरत होगी, सिलिका की ज़रूरत होगी। उसके बाद एल्यूमिना, इसी को कहते हैं, देखिए डियर फ्रेंड्स एल्यूमिना को ही क्ले कहते हैं, क्ले को ही मिट्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्यूमिना को ही क्ले कहते हैं, क्ले को ही मिट्टी कहते हैं, ठीक है। आपके पास लाइम आता है, लाइम को चूना कहते हैं, कुछ मित्र लोग कहते हैं सर हिंदी में भी नाम बता दीजिए, तो हिंदी में भी सुन लीजिए, एल्यूमिना को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, एल्यूमिना को क्ले अथवा मिट्टी कहते हैं, लाइम को क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, आयरन ऑक्साइड तो है ही, आपका आयरन ऑक्साइड ही होगा, ठीक है।
तो ये आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशिया भी हो गया, एल्केली भी हो गया, तो ये तो आपके वही नाम है, ठीक है। तो ये छह चीज़ें तो बहुत कंपलसरी हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये छह चीज़ें वो नगण्य मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होती हैं, लेकिन ये इन छह चीज़ों से ही मिलकर एक ब्रिक्स का, एक ईंट का निर्माण होता है। कौन कौन सी, एक बार और सुन लीजिए, सिलिका, एल्यूमिना, क्ले अथवा मिट्टी, लाइम अथवा चूना, ठीक। ये हो गया आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और एल्केलीज, ये छह चीज़ों से मिलकर के एक ब्रिक्स का निर्माण होता है। और ठीक है, जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आपका शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, आपका बॉडी पंच तत्वों से बना हुआ है, उसी तरह से ये छह चीज़ें हैं, इसी से हमारा ब्रिक्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम देखिए कैसे इसको एक शॉर्ट फार्मूले से कैसे हम इसको याद करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। अभी मैं बताऊंगा क्यों स्टेप बाय स्टेप, पहले हमको सिलिका याद करना है, सिलिका के बाद एल्यूमिना याद करना है, एल्यूमिना के बाद लाइम याद करना है, लाइम के बाद आयरन ऑक्साइड याद करना है, आयरन ऑक्साइड के बाद मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया के बाद एल्केलीज, एकदम आपको क्रम से याद करना है। और क्रम से याद करने के लिए द जेएन स्मार्ट क्लासेस, जैसे कहते हैं कि द जेएन क्या है, स्मार्ट क्लासेस है, और स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाएगा, ठीक है। आपको भूले ना, इस तरह से तैयार किया जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो इन छह तत्वों को याद करना, छह एलिमेंट हैं, छह इंग्रेडिएंट हैं, छह कंपोनेंट हैं, उसको कैसे याद करेंगे, तो आपके सामने एक यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या एक नाम दिख रहा होगा, और एक लड़की का नाम दिख रहा है, सलीमा, क्या दिख रहा है मेरे मित्र, सलीमा नाम दिख रहा है। और इसी को बस एग्जाम में बैठिएगा, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को याद करना है तो आप सलीमा को याद कर लीजिएगा, और जैसे ही सलीमा को याद करेंगे वैसे ही जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपको याद हो जाएंगे। जैसे यस से सिलिका होता है, क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यस से सिलिका हो गया, ए से एल्यूमिना होगा, यल से लाइम हो गया, आई से आयरन ऑक्साइड हो गया, यम से मैग्नीशिया हो गया, फिर ए से एल्केलीज हो गया। तो डियर फ्रेंड्स ये होता है इंग्रेडिएंट, किसका इंग्रेडिएंट, ब्रिक्स का इंग्रेडिएंट। और सलीमा से ही केवल एक लड़की, आप देखिए ये ट्रिक है, ये कोड है, और इसी ट्रिक अथवा कोड के माध्यम से याद कीजिए, एक इसी सलीमा, बस एक लड़की से ही ब्रिक का निर्माण हो गया। मैं आपको कोड बता रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है, इस सलीमा लड़की है और इस लड़की से ही ब्रिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये सलीमा से आपका हर एक कोड, हर एक अक्षर का आपको फुल फॉर्म पता हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, देखते हैं एग्जाम में क्या क्या, जैसे अब ऐसे दस नाम, चार नाम दे देगा, चार नाम में से आपको दे देगा, कोई भी इसमें से एक दे देगा, ब्रिक का इंग्रेडिएंट कौन सा है, ठीक है, विच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। तो आपको चार नाम दिया रहेगा, चार नाम में से कोई, इसमें से कोई एक नाम दे देगा, ठीक है। तो आप उसको, आपको उस पर, मान लीजिए सिलिका है, यहाँ सिलिका दिया हुआ है, तो आपको इस पर ट्रिक करके आना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्रेडिएंट्स से। अब हम आते हैं, इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ लिए, लेकिन उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उसका रेशियो कितना होना चाहिए, उसका परसेंटेज कितना, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा कंपोनेंट है और कौन कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इसको अब हम ध्यान देंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स इसको ध्यान देने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, सिलिका कैसा होता है, एल्यूमिना कैसा होता है, लाइम कैसा होता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और एल्केलीज, ये कैसे होते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक चीज़ और आप लोग ध्यान सुन लीजिए, ये है जो सिलिका है, ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका और सिल्ट, ये दोनों का मिश्रण है, सिलिका जो हम यहाँ पर सिलिका कहते हैं, सिलिका और सिल्ट दोनों का मिश्रण है। कुछ लोग पूछेंगे सिल्ट क्या चीज़ होती है, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। मतलब सिलिका का निर्माण, सिलिका और यहाँ पर जो सिलिका हम कह रहे हैं, इसमें एक चीज़ और छिपा हुआ है, सिल्ट छिपा हुआ है, मतलब कि सिलिका और सिल्ट दोनों मिल करके हम यहाँ पर सिलिका कह रहे हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, सिलिका का नाम इसमें नहीं लिया जाएगा, ब्रिक में सिलिका का नाम नहीं, सिल्ट का नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आपको सिलिका सिलिका बार बार कहना है, लेकिन सिलिका और सिल्ट दो अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिलिका और सिल्ट में, लेकिन इसको कंबाइंड रूप से दोनों की क्वांटिटी को मिला करके हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सिलिका कहेंगे। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अब हम एक एक का फिगर दिखाएंगे, कैसा होता है सिलिका, कैसा होता है सिल्ट, कैसा होता है एल्यूमिना, कैसे होता है लाइम, कैसा होता है आयरन ऑक्साइड, कैसा होता है मैग्नीशिया, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा कि कैसा होता है। जैसे ये होता है आपका सिलिका होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स,
ये क्या है, ये सारे चीज जितने दिख रहे हैं कई इसके प्रकार दिए हुए हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे कुछ। तो ये हो गया आपका सिलिका, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सिल्ट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, तो ये दिख रहा है आपको सिल्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आपको क्या दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है क्ले। क्ले आप लोग मैक्सिमम आपके घर के सामने ही, अगर मैं जिसका फर्श नहीं बना हुआ है उसका घर मिट्टी का ही नीचे होता है फर्श जो होता है, ठीक है। तो ये वही क्ले है डियर फ्रेंड्स, कोई अलग क्ले नहीं है, कोई अलग मिट्टी नहीं है, वही मिट्टी है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया क्या पाउडर ऑफ लाइम, मतलब पाउडर फॉर्म ऑफ लाइम, जो लाइम होता है लाइम स्टोन होता है उसी को पीस करके ये लाइम बनाया जाता है। तो ये लाइम है, ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक। ये पाउडर फॉर्म में है, मैं क्यों पाउडर फॉर्म में कह रहा हूँ, अभी आगे इसका एप्लीकेशन है। पाउडर फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा कैसा होता है, तो ये जो है पाउडर के रूप में होता है। लाइम चूना तो होता है चूना, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये देखिए आपका लाइम स्टोन है, क्या है डियर फ्रेंड्स, लाइम स्टोन है, मतलब ये स्टोन मीन्स पत्थर होता है, और लाइम मीन्स चूना होता है, चूने का पत्थर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और इसी को पीस करके ये बनाया जाता है आपका लाइम, ठीक। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ये हो गया, आयरन ऑक्साइड रेड कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, हर एक चीज़ याद रखिएगा कैसा होता है, ठीक है। ये आपको कहीं कोचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी जानकारी नहीं दी जाएगी मेरे मित्र, जितना द जेएन स्मार्ट क्लासेस आप लोगों को देता है, जितना द जेएन स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के लिए मेहनत करता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं इस तरह से दिया जाएगा जिस तरह से मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जिस तरह से मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कितना मेहनत करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स मेहनत अगर मैं हम लोग कर रहे हैं, द जेएन स्मार्ट क्लासेस कर रहा है, तो आप लोगों से बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहती है डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, बस एक काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, और इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट, एक एक दिन का एक सब्जेक्ट का सिलेबस तैयार करने में क्या हमको पढ़ाना है, कौन सा फिगर लेना है, कहाँ से फिगर लेना है, केवल इन इन इतने ही करने के लिए हमको 4-4, 5-5 घंटे देना पड़ता है। एक जो आपको इतना इतना सारा 20 पेज 22 पेज 25 पेज जो भी बना हुआ है, ठीक है, तो बहुत मेहनत किया जाता है, हम लोग बहुत मेहनत, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, किसके लिए, आप लोगों के लिए कर रही है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए भी, हम लोगों के लिए भी तो मेहनत कर दीजिए, बस क्या कीजिए, बस शेयर कर दीजिए, आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैग्नीशिया, तो ये मैग्नीशिया होता है, ठीक है। तो ये इतनी हर एक चीज़ को दोबारा देख लीजिए कौन सी कैसा होता है। ये मैग्नीशिया हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, लाइम स्टोन हो गया, लाइम पाउडर लाइम हो गया, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सिलिका हो गया। देखिए सिल्ट और सिलिका, ये सिलिका है ये सिल्ट है, इन दोनों का कंबाइंड मिश्रण होता है, ठीक है। सिल्ट की भी मात्रा स्टोन में 30% होती है, और सिलिका की भी मात्रा मतलब 30-50% ये भी उपस्थित होता है, 30-50%, ठीक है। और ये जो है ये भी 30-50% उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर हम बताएंगे सिल्ट और सिलिका कहेंगे तो आप लोग अलग मत समझिएगा, उसको एक ही में समझिएगा, उसको हम केवल सिल्ट को हम नहीं नाम लेंगे, कहीं नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है, नाम नहीं लिया जाएगा, तो आप समझिएगा जो सिलिका जब कहेंगे तो उसमें सिल्ट और सिलिका दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं कितना परसेंटेज किसका कितना रहना चाहिए। तो जो मेरे पास सिलिका है, सिलिका देखिए, सिलिका मैं कह रहा हूँ तो सिलिका प्लस सिल्ट दोनों का मिश्रण है, और ये कितना रहना चाहिए, 50-60%। एक ईंट बना रहे हैं तो एक ईंट बनाने के लिए उसका 50-60% क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, सिलिका होना चाहिए, ठीक है। अब हम एलुमिना की बात कर रहे हैं, तो एलुमिना यानी मिट्टी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20-30% मिट्टी की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, एलुमिना की मात्रा, मतलब मिट्टी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मिट्टी की मात्रा 20-30% होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिलिका होनी चाहिए, उसके बाद एलुमिना, लेकिन कुछ कुछ उसमें चूना भी चाहिए, चूने की मात्रा भी चाहिए। तो चूना कितना होता है कि एक ब्रिक बनाने के लिए, तो 2-5% हमको चूने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ आयरन ऑक्साइड को ले लेते हैं, आयरन ऑक्साइड को जब लेते हैं तो 3-5% आयरन ऑक्साइड की मात्रा की हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैग्नीशिया लेते हैं तो मैग्नीशिया की मात्रा लगभग 1% के बराबर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, लगभग 1% के बराबर हम मैग्नीशिया को लेते हैं। और एल्केलीज होता है, इसकी मात्रा 1% से कम लेते हैं, लेस देन 1%,
तो ये रहा इसकी क्वांटिटी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो क्वांटिटी आपको पता चल गया। अब देखिए मैं बोला हूँ आपको क्रम से याद रखना है, क्यों? क्योंकि रीजन है, सबसे ज़्यादा आपका सिलिका है, उससे कम आपका एलुमिना है, उससे कम आपका लाइम है, उससे भी कम आपका ये चीज़ है, और फिर इससे कम 1% है, और इससे भी कम आपका ये है। मतलब क्या देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम है, इस तरह से इसका मान घटता है। इस और जो सलीमा आप याद रखेंगे, सलीमा आप जो याद रखेंगे, तो सलीमा में आप एक चीज़ देखिएगा, जो यस जो है इधर से इधर बढ़ते घटते हुए जाएगा, ठीक, जो नाम है इधर से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो घटते जाएगा, घटते जाएगा, उसकी मात्रा घटती जाएगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपका इंग्रेडिएंट हो गया। अब देखिए एग्जाम में क्या पुटअप किया जाता है, पुटअप किया जाता है कि मतलब एलुमिना की मात्रा ईंट बनाने में, ईंट बनाने में एलुमिना की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो एग्जाम में देगा क्या देगा, 25% आपका, 35%, 65% और आपकी 80%। तो आप क्या लगा करके आएंगे, आप क्या लगा करके आएंगे, आप लगा करके आएंगे 25%, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है क्या एलुमिना की मात्रा 20% से 30% होती है। मतलब कि 20 से 30 के बीच में कुछ भी दिया हो तो आपको वो ट्रिक लगा करके आना है। अगर 22% दिया है तो भी आप ट्रिक लगा करके 22 पर आएंगे, अगर मैं 26 दिया है तो 26 पर ट्रिक लगा करके आएंगे, 30 दिया है तो 30 पर ट्रिक लगा करके आएंगे। तो इस तरह से ये होता है, 20 से 30 के बीच में कुछ भी दिया हो आप उसको ट्रिक लगा करके चले आएंगे। अब आते हैं ऐसे एग्जाम में यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, लाइन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, देता है मैक्सिमम क्वेश्चन यही देता है, तो 3% देता है या 4% देता है, यही रखता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको ट्रिक लगा करके आना है, ठीक है। तो कैसे लगा करके आना है आप लोग ये जान गए, अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आप लोग देख लिए, ठीक है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट होता है ये भी देख लिए आप, लेकिन इंग्रेडिएंट का अब वर्णन करें हर एक इंग्रेडिएंट। जैसे आप सिलिका है, यहाँ सिलिका है, तो सिलिका से हमारा क्या फायदा है, ईंट में सिलिका को ले रहे हैं, क्यों सिलिका को ले रहे हैं, क्यों, कोई और मटेरियल नहीं मिला हमको ईंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलिका को क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है, फिर उसके बाद एलुमिना को ले रहे हैं तो क्या रीज़न है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उसको ले रहे हैं, क्या रीज़न है आगे बताएंगे। आगे बताने से पहले हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, ये आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इतना नहीं जानेंगे आगे आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, और ये मेरी गारंटी है, मेरी दावा है, कोई भी कोचिंग संस्थान ये आपको नहीं पढ़ाती है। स्ट्रेंथ क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, मोल्डिंग क्या होती है, मतलब कि जब ईंट पढ़ाना है तो उस समय नहीं पढ़ाएगा, भले आगे बाद में पढ़ाएगा। तो ये चीज़ें आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप हर एक इंग्रेडिएंट, चाहे वो सलीमा याद रखिए, सलीमा सलीमा जब याद रखेंगे तो सलीमा से हर एक कंपोनेंट याद रहेगा, ठीक है। आपका बहुत ही आसान कर दिए हैं, कोई इंस्टीट्यूट इस तरह से आपको नहीं बताएगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक। तो सलीमा आप याद कीजिए, यस से क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं, सिल्ट, तो सिल्ट में सिल्ट क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है, तो ये सारी बातें आप जानने से पहले आप जान लीजिए कि मतलब पहले स्ट्रेंथ क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, शार्प क्या होता है, श्रिंकेज क्या होता है, ये सारी बातें जान लीजिए। जैसे स्ट्रेंथ की बात करें, ईंट की बात मैं पर्सनली कर रहा हूँ, ये जितने भी टर्म हैं ईंट के टर्म में बताऊंगा, परिभाषा चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ईंट के टर्म में ही बताऊंगा, ठीक है। तो जान लीजिए स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो ईंट का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना लोड बियर करता है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रेंथ आप जान गए, ये ईंट है, इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना लोड सहेगा वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। ऐसे आपकी क्या हो गई, शेप क्या होती है, तो आपको हम बता ही दिए ईंट का शेप क्या होता है, क्यूबोडियल होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये ईंट का शेप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइज क्या होता है, साइज भी आपको बता दिए, कौन कौन सा साइज होता है, ये क्या होता है, ये 19 होता है, ये 9 होता है। गहराई की बात करें तो ये आपकी गहराई जो होती है ये भी 9 होती है, तो इस तरह से साइज ये होता है, ठीक है। शार्प क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये ईंट है लेकिन यहाँ पर कोने सही से नहीं आए, कॉर्नर किनारे सही से नहीं आए, ठीक, जैसे ये ईंट है और ईंट टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक, ये चीज़ नहीं। जैसे मान लीजिए आपके जो शार्प शार्प कह रहा है, तो यहाँ पर जो ईंट आकर के मिल रहा है जो हमारे पास, ठीक, ये जो ईंट मिल रहा है एकदम एकदम शार्प नहीं है, एकदम तीखा नहीं है, वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ब्लर्ट हो गया है, ठीक।
थोड़ा सा क्या हो गया, ब्लर्ट हो गया है, तो ये कहना चाह रहा है सर्प वहां पर नहीं है। ठीक, ये श्रिंकेज क्या चीज होता है? श्रिंकेज मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मैं उसमें किसी चीज की कमी या अधिकता हो गई, तो मान लीजिए जो ईंट 19:9:9 होना चाहिए, या तो इससे ज्यादा प्राप्त हो जाए या तो उससे कम हो जाए। श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना होता है। 19:9:9 है, अब पता चले 18.5 × 8.5 × 8.5 आपको ईंट प्राप्त हो गई, तो क्या हो गई, ईंट की साइज में कमी हो गई, ईंट की साइज में सिकुड़न हो गई ईंट की, तो ये श्रिंकेज कहलाता है, उसके साइज में कमी होना। ठीक, श्रिंकेज हो गया। आपका क्रैकिंग क्या हो गलत होता है, मान लीजिए ईंट है, इसका सरफेस है, सरफेस क्या हो गए, आप लोग देखते हैं उसमें रेशे की तरह थोड़ा सा ब्रेक, उसमें थोड़ा टूट जाता है, हल्का हल्का टूट जाता है। ठीक, वो स्पष्ट दिखता है, वही आपका क्रैकिंग, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्रैकिंग दिखने लगता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्रैकिंग होती है। ठीक, ये फ्लोरोसेंस क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज की, अभी बताऊंगा कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस किस चीज पर प्रभाव डालते हैं, जितने भी यूज हुए हैं क्या क्या प्रभावित होगा, कौन कौन सा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो अब इफ्लोरोसेंस क्या होता है, तो इफ्लोरोसेंस ये चीज होता है, मान लीजिए क्या होता है, जब उस पर बारिश का पानी बार बार पड़ रहा है, बार बार पड़ रहा है, तो क्या होता है, ऊपर का जो सरफेस होता है, मतलब क्या कहें उसको, कौन से शब्द में कहें, मतलब झड़ने लगता है, जो ऊपरी सरफेस, ईंट का ऊपरी सरफेस देखते होंगे, जो बहुत पुराने पुराने घर होते हैं उसका बाहरी सरफेस, जो ईंट अगर उसका प्लास्टर नहीं किया गया होता है, प्लास्टर नहीं किया गया है, तो ऊपरी सरफेस, दीवार का ऊपरी सरफेस, ईंट जो रहता है उस पर हाथ लगाएंगे तो झड़ने लगता है। ठीक है, गिरने लगता है उसका सबसे ऊपरी लेयर जो होता है, तो इस तरह से जो ईंट का ऊपरी लेयर होता है गिरने लगता है, वो आपका इफ्लोरोसेंस के कारण होता है, वही फ्लोरेसेंस होता है। प्लास्टिसिटी क्या चीज होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल लेते हैं, कोई भी मटेरियल नहीं, हम ईंट की बात कर रहे हैं पर्सनली, तो ईंट की पर्सनली ये बात कर रहे हैं, तो ईंट बनाने के पहले आपका जो मिट्टी तैयार करते हैं, तो मिट्टी जो तैयार करते हैं उसको ऐसी अवस्था में ला देना कि मतलब उससे आराम से कोई भी जिस शेप में ढाल दें, मान लीजिए उसको क्या किए, ऐसे कर दिए और इस शेप में आप ढाल दिए, तो इसी शेप में बना रहे। ठीक है, जो रूप में जिस शेप में आप ढाले हुए हैं वो अपना शेप बनाए रहे, वो आपका मतलब प्लास्टिसिटी से संबंध रखता है, कि आप जिस शेप में ढाले, अगर मैं क्यूबोडियल शेप में ढाले तो क्यूबोडियल ही बना रहे, ये नहीं कि आप वो चपटा हो गया और किसी कारण से कुछ और हो गया, मतलब गोलाकार हो गया, स्फेरिकल हो गया, आप ढाले किसी और शेप में हो गया किसी और शेप में, तो ये नहीं होनी चाहिए, ये प्लास्टिसिटी होता है। बाइंडिंग मटेरियल क्या चीज़ होता है, मतलब कि क्या है कि मान लीजिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, इसको इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तभी तो चिपका रहेगा। ठीक है, तो ये कारण है, जैसे मान लीजिए दो ईंटें होती है और उन दो ईंटों के बीच में जब तक सीमेंट और बालू का मसाला नहीं भरेंगे तब तक ये दोनों ईंटें अलग होती हैं। ठीक, और जैसे ही सीमेंट लगा देते हैं, सीमेंट बालू का घोल लगा देते हैं, वो दोनों ईंटें चिपक जाती हैं। उसी तरह से जो ब्रिक्स बनते हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं और उन इंग्रेडिएंट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कुछ अदर इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। इजी इन मोल्डिंग, जैसे मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग मतलब होता है, मोल्ड मतलब सांचा होता है, सांचा आप जानते हैं, जब ब्रिक बनाते हैं तो एक सांचा होता है, उसी सांचे में ढाल करके फिर ईंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है सांचा। ठीक, तो सांचा हो गया, अब सांचे में भर करके उसको, सांचे में मिट्टी को भर करके फिर एक ईंट तैयार कर देना, मतलब एक ईंट बना देना, वही आपका मोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल्डिंग कहलाता है। तो मोल्डिंग करने में, मतलब एक ईंट तैयार करने में कितनी कठिनाई हो रही है या कितनी सरलता से काम हो रहा है, वही आपका कहला रहा है इजी इन मोल्डिंग। ठीक है, श्रिंकेज हाई, श्रिंकेज आपको समझ में आ ही गया है, ब्लड कोर भी समझ में आ गया है, यहाँ शार्पनेस से ही ब्लड कोर भी समझा दिए, मतलब कि जो उसका किनारा है, अगर मैं ये किनारा बहुत मतलब बहुत तीखा है, ठीक है, एक ब्लेड की तरह, मतलब इस पे हाथ लगाइए तो कट जाए, इस तरह से जब ये तीखा होता है तो वो आपका शार्प होता है, उसी को शार्पनेस कहते हैं। लेकिन ऐसा पता चले उस पर कितना भी रगड़ते रहिए आपके उंगली पे कुछ असर ही नहीं पड़े, वो होता है ब्लड कोर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप जान गए। सरफेस क्रैकिंग, ये भी आपको क्रैकिंग में समझा दिया आपको, ये सरफेस है, इस पर कुछ निशान पड़ने लगते हैं, आप देखते हैं टूटते हुए, थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। ठीक है, ईंट तो वही आपकी क्रैकिंग कहलाती है। जिग जैग शेप, मान लीजिए ईंट को आप ढाले इस शेप में, लेकिन वो क्या हो गया, इस शेप में हो गया, थोड़ा सा जिग जैग हो गया। ठीक, तो इस शेप में हो गया मतलब थोड़ा सा मुड़ गया, जिग जैग मतलब मुड़ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिग जैग। तो ये सारी बातें जब तक आप लोगों को पता नहीं रहेंगी तब तक आप इसके कौन कौन से
कंपोनेंट हैं और इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इंग्रेडिएंट की क्या प्रॉपर्टी है, आखिर क्यों 50% सिलिका की मात्रा 50% है, क्यों आखिर एलुमिना की मात्रा 20 से 30% है, आखिर रीजन क्या है फिक्स करने का। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक ये चीज़ें नहीं पता रहेगी तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा क्यों आखिर इसका इतना मात्रा है, आखिर सिलिका की मात्रा इतना है, एलुमिना का मात्रा इतना है, तो ये सारी बातें, लाइम की मात्रा इतनी है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा इतनी है, क्यों है। अब ये इतने जान गए हैं तो अब आगे समझने में न आपको समझने में दिक्कत होगी न हमको समझाने में दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलिका आखिर जो हमारे इस जो हम ब्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं उस ब्रिक्स के निर्माण, अब बताइए, आप बताइए सिलिका की मात्रा कितनी होती है, बताइए तुरंत बताइए। तो सिलिका की मात्रा कमेंट कीजिए, तुरंत नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं बस कमेंट कीजिए। तो सिलिका की मात्रा क्या होती है, 50 से 60% होती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराया गया है, ठीक है, 50 से 60% सिलिका की मात्रा होती है। और सिलिका की जितनी प्रॉपर्टी है, आखिर सिलिका का मात्रा इतना ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, क्यों मिट्टी की मात्रा ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो सिलिका की मात्रा इतनी ज़्यादा क्यों रखते हैं और सिलिका की मात्रा ज़्यादा रखने से हमारे कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो आपको आपको बार बार कहते हैं द जेएन आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाता है, आपको एकदम यहीं का यहीं याद हो जाएगा, बस एक बार से दो बार वीडियो देख लीजिए, दो बार आप देख लेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी एकदम एकदम आंखों के सामने दिखने लगेगी, क्योंकि द जेएन स्मार्ट क्लासेस है और स्मार्ट क्लासेस एकदम आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाएगा। अब आपके मन में एकदम बेचैनी होगी, भाई अब 6x का मतलब क्या है, आखिर 6x से सिलिका की प्रॉपर्टी हम कैसे याद रख लेंगे। तो सिलिका की प्रॉपर्टी, जी हाँ मेरे मित्र, 6x से ही आप सिलिका की पूरी प्रॉपर्टी याद रख लेंगे और सिलिका में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जैसे मैं आप लोगों को सलीमा से बता दिया, सलीमा आप बस याद रखिए, सलीमा अगर मैं आप याद रख रहे हैं तो ब्रिक के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपको याद रख हो जाएंगे, बस सलीमा 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 10 बार प्यार से बोल दीजिए मेरे तरफ से, सलीमा सलीमा सलीमा, जब सलीमा सलीमा 10 बार बोलेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स के जो इंग्रेडिएंट हैं किस किस चीज़ से बना हुआ है ईंट, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलिका की तरफ, आखिर 6x ये जादू कौन सा है 6x का कि पूरी सिलिका की हमें कहानी याद करा देगा। तो देखिए आपके सामने आ चुका है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सिलिका, ये सिलिका है पहला, पहले यस का मतलब सिलिका होता है, क्या होता है डियर फ्रेंड्स, पहले यस का मतलब सिलिका होता है, इसी से जान जाएंगे हम सिलिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले यस का मतलब सिलिका हो गया, अब सिलिका हो गया तो सिलिका के रहने से हमें क्या क्या फायदा है, ईंट में सिलिका की मात्रा अधिक रहने से क्या क्या फायदा या क्या क्या नुकसान है, अब ये 5 चीजें हैं, ठीक है, अब ये 5 चीजें हैं, इसी को ध्यान से आप सुन लीजिए तो सिलिका की पूरी कहानी खत्म। देखिए पहले, दूसरे यस का नंबर आता है स्ट्रेंथ, तो जो सिलिका होता है वो हमको क्या प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्या करता है डियर फ्रेंड्स, जो हमारे दूसरे नंबर का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को हमको बढ़ा देता है, सिलिका क्या करता है याद हो गया, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाता है अभी आगे हम सब बातें बताएंगे। दूसरा हमारा सेप प्रदान, इम्पोर्ट सेप, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेप को प्रदान करने में किसका सबसे अहम रोल है, क्या चीज़ ऐसा है जो हमको सेप प्रदान करता है, तो डियर फ्रेंड्स कई लोग लगा करके चले जाते हैं एलुमिना, तो एलुमिना हमारा सेप नहीं प्रदान करता है, ठीक है। तो सेप जो हमारा प्रदान करता है वो हमारा क्या है, वो हमारा यही है सिलिका ही, हमको सेप, सिलिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिलिका हमारा स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया, इस सेप को भी हमारा प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब देखिए साइज को भी, साइज भी प्रदान करता है, ठीक है, तो सिलिका हमारा साइज को भी प्रदान करता है, सिलिका हमारा शार्प भी बना रहा है, अभी बता रहे हैं सिलिका हमारा शार्प भी बना रहा है और सिलिका हमारा श्रिंकेज भी, देखिए श्रिंकेज क्या होती है, श्रिंकेज में कमी करता है डियर फ्रेंड, श्रिंकेज ये चारों चीज़ें जो है आपका बढ़ाता है लेकिन ये चीज़ आपको कम करता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये इन चारों चीज़ों में इसकी अच्छाई है लेकिन इस चीज़ में इसकी बुराई है, श्रिंकेज मतलब श्रिंकेज को कम, मतलब ये भी अच्छाई है, श्रिंकेज कम, श्रिंकेज ज़्यादा नहीं होने देगा, ठीक है, श्रिंकेज ज़्यादा नहीं होने देगा, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, ज़्यादा सिकुड़ेगा नहीं, तो ये इसके फायदे रहे। अब हम आते हैं, जैसे हर एक चीज़ का हम, मैंने पूरा बता दिया स्ट्रेंथ क्या होती है, तो जो देखिए आपके पास जो सैंड होता है या सिल्ट होता है उस सिल्ट के पास लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, मृदा जो होती है मृदा के ऊपर अगर मैं कुछ केजी लोड रख दीजिए तो उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं बहुत दूर दूर तक, मतलब अलग, मतलब
वो ज़्यादा लोड नहीं सह पाएगा, लेकिन जो सिलिका होती है, सिलिका हमारा लोड बहुत ज़्यादा बियर कर सकता है, तो इसलिए स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। शेप की बात करें, मान लीजिए आपका ईंट है और इसमें पानी भी मिलाए हैं, मिट्टी भी मिलाए हैं, सब चीज़ें मिलाए हैं, लेकिन अगर मैं सैंड की मात्रा कम है तो क्या होगा, आपका ये जो क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, उसके शेप में कमी होने लगेगी, और ये किसी भी आकार में, मिट्टी की मात्रा है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये शेप भी प्रदान करता है। साइज़ की बात करें तो अगर मैं ये चीज़ है, सिलिका की मात्रा है, तो जिस साइज़ में आप बनाएंगे लगभग लगभग उस साइज़ में आपको प्राप्त होगी, ठीक है। 19 की आप डिमांड रख रहे हैं तो 19 आपको प्राप्त होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। शार्प बता ही दिए, मान लीजिए क्या होता है, कुछ लोग मिट्टी क्ले पर पूछता है शार्प, शार्पनेस कौन प्रदान करता है, तो डियर फ्रेंड्स यही है, शार्पनेस भी प्रदान करता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है शार्पनेस कौन प्रदान करता है, पूछता है, ठीक है, तो यही है सिलिका ही आपको शार्पनेस। कैसे, मान लीजिए ये चीज़ आपका ईंट है और ईंट है, इसमें मिट्टी लगा दिए, तो इसके क्या होगा, कोने जब सूखेंगे तो ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे, जब ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा सिकुड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके थोड़े बहुत ऐसे गड्ढे बनने लगेंगे, जब गड्ढे बनने लगेंगे, कम उभार उभार ऊपर नीचे बनने लगेंगे इस तरह से आपका, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर मैं इसकी मात्रा को अधिक कर दिया जाए, सिलिका की मात्रा को अधिक कर दिया जाए, मतलब जो 50-60% रखा गया है, अगर मैं इससे ज़्यादा सिलिका की मात्रा हो गई तो क्या होगा, क्यों इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, आखिर क्या रीज़न है, लॉस ऑफ कोहेशन के कारण, क्या लॉस ऑफ कोहेशन के कारण ब्रिटल और वीक होता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी मात्रा 50% या 60% से अधिक कर देंगे तो ये क्या होगा, ब्रिटल, लॉस ऑफ कोहेशन। कोहेशन क्या चीज़ होता है इसको बता दें, दो पदार्थ हैं लेकिन दो अलग अलग पदार्थ हैं, इन दो अलग अलग पदार्थों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वही कोहेशन होता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ कोहेशन के कारण अगर मान लीजिए सिलिका की मात्रा अधिक कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी की मात्रा कम कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, इसके मतलब इसमें क्या होने लगेगा कि इसकी बॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी होगी उसकी कम होने लगेगी, उसकी वीक होने लगेगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पहली बात कि वीक हो जाएगा इसके बॉन्ड, जो लॉस ऑफ कोहेशन के कारण इसके बॉन्ड जो वीक हो जाएंगे, जिसके कारण ईंट भी वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक होंगे तो ईंट भी वीक होगा, और ये ब्रिटलनेस प्रदान करता है, ये बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस प्रदान करता है, ठीक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, जो भी आपके सामने रखा जाएगा बार बार पूछा जाने वाला, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा बात, क्ले, क्ले की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, तुरंत कमेंट में लिख नीचे लिख के हमको बताइए क्ले की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, क्ले की मात्रा 20-30% होती है, याद है कि नहीं याद है, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ आप लोगों को, याद है ना, मतलब 20-30% क्ले की मात्रा होनी चाहिए। तो अब देखिए, क्ले अथवा मिट्टी, क्ले इसको कहेंगे, मिट्टी भी कहेंगे, एलुमिना भी कहेंगे, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। ये देखिए क्या क्या प्रदान करता है, ये प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि अगर मैं इसको इस वर्गाकार शेप में कर रहे हैं तो ये वर्गाकार में ही रहेगा, इस शेप में नहीं, तो ये चीज़ आप इसको प्लास्टिसिटी प्रदान कर रहा है, इसको जिस शेप में ढालना चाह रहे हैं उस शेप में ढल जा रहा है, ये प्लास्टिसिटी का मतलब है। बाइंडिंग मटेरियल का काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए सिलिका आप ले रहे हैं, सिलिका मतलब सैंड या बालू ही समझ लीजिए, तो जो बालू है आपका, अब बताइए बालू और बालू के बीच, बालू के दो अणुओं के बीच, दो कणों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसीलिए बालू के दो कण अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी में मिट्टी मिला दिया जाता है तो ये बालू के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बीच में क्या होती है, मिट्टी हो जाती है, बीच में मिट्टी जो होती है वो दो सैंड के कणों को, ठीक है, दो सिलिका के कणों को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए यहाँ बाइंडिंग मटेरियल का काम कर रही है। इजी इन मोल्डिंग, अगर मैं ये चीज़ें हैं, क्ले की मात्रा अच्छी रहेगी, 20-30% के बीच में रहेगी, तो मोल्डिंग करने में, मतलब ईंट को तैयार करने में, सांचा से उसको ढालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इजी इन मोल्डिंग। अगर मैं, जैसे मैं बताया हूँ कि अगर मैं 20-30% रहा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एक्सेस मतलब बढ़ना, अगर मैं इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा क्या, अगर मैं इससे ज़्यादा क्ले की मात्रा होगी 20-30% से ज़्यादा, तो क्या दिक्कत होने लगेगा, कुछ दिक्कतें आने लगेंगी ईंट में। कौन कौन सी दिक्कतें होती है, श्रिंकेज हाई हो जाता है, मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये चीज़ें हैं आप बनाए 19-9-9 में बना रहे हैं और आपको प्राप्त हो गया ईंट 18-8 और 8 प्राप्त हो गया,
तो ये रीजन कहाँ से आता है, इसी क्ले के कारण आता है। अगर मैं आप क्ले की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो श्रिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है, क्ले की मात्रा कम रखेंगे तो श्रिंकेज कम होगा, लेकिन बहुत कम रख देंगे तो क्या होने लगेगा दिक्कत, बाइंडिंग मटेरियल क्या होने लगेगा, बाइंडिंग मटेरियल की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण उसके बांड जो होंगे बहुत वीक पड़ जाएंगे और आसानी से वो टूटने लगेगा। तो इस कारण इसकी मात्रा कम नहीं रखते हैं और ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि बता दिए हम श्रिंकेज हाई हो जाएगा, मतलब 19 का ईंट प्राप्त करना चाहते हैं और 18 का ईंट आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है ब्लर्ड कोर, अगर मैं इसकी मात्रा अधिक कर देंगे तो ब्लर्ड कोर प्राप्त होने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कोरें होती हैं वो ब्लर्ड होने लगेंगी, वो एकदम तीखी नहीं प्राप्त होंगी, ठीक, तो श्रिंकेज हाई हो जाएगा, ब्लर्ड कोर प्राप्त होने लगेगा, सरफेस क्रेकिंग की भी संभावना बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये चीज़ें हैं, ये ईंट है आपका और आप इसको तैयार किए हैं और मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, तो आप जानते हैं जब ज़्यादा सिकुड़ेगा और ज़्यादा सिकुड़ेगा तो उसमें क्या होने लगेगी, क्रैक्स उत्पन्न होने लगेगी, तो ये क्रैक्स भी उत्पन्न होने लगती है और जिगजैग शेप प्राप्त होने लगेगा। मतलब आप एक रेक्टेंगुलर या क्यूबोडियल आप शेप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका क्यूबोडियल या रेक्टेंगुलर ना प्राप्त होकर के इस तरह से कुछ शेप प्राप्त होने लगेगा। तो ये सारे डिफेक्ट होते हैं, मतलब एक्सेस अधिक मात्रा कर देने पर ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं, और अच्छा क्वांटिटी रहा इसकी तो ये चीज़ हमको प्रदान करता है, क्ले इतना चीज़ें प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइम क्या करता है। अगर हमारी चीज़ हमारे ईंट में लाइम है, लाइम की मात्रा कितनी होती है बताइए, तुरंत का तुरंत कमेंट में आप लोग बताते रहिए, मैं पूछ रहा हूँ बताइए आप लोग। 2% से 5% होता है, कितना होता है, 2% से कितना 5% तक लाइम की मात्रा होती है, ठीक, तो लाइम की मात्रा आपको पता चल गया कितना होता है, 2% से 5% तक। और लाइम को हमेशा और हमेशा पाउडर फॉर्म में मिलाते हैं, किस फॉर्म में मिलाते हैं डियर फ्रेंड्स, पाउडर फॉर्म में मिलाते हैं, मतलब जो हमारे पास लाइम मौजूद होता है स्टोन के किसके रूप में होता है, पत्थर स्टोन के रूप में होता है, रॉक्स के रूप में होता है, लेकिन हम उस रूप में नहीं यूज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में पीस करके ही यूज करते हैं, ठीक है, बताऊंगा आगे अगर स्टोन के रूप में यूज करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में यूज करेंगे तो क्या क्या दिक्कत होगी, ठीक है, और अगर मैं पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और वो मिट्टी यानी कि क्ले के साथ और सैंड के साथ आराम से मिल जाएगा उसमें, ठीक है, प्रॉपर उसमें मिल जाएगा, इसलिए पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। लॉस इन श्रिंकेज, श्रिंकेज में कमी करता है, मतलब कि ये इतना अच्छा होता है, मान लीजिए कि जो आप 19x19 अगर मैं 19x19 का ईंट प्राप्त करना चाहते हैं या किसी इंग्रेडिएंट को बढ़ा दिए हैं जिसके कारण श्रिंकेज, जिसके कारण 18 प्राप्त हो रहा है, 19 के जगह 18 साइज प्राप्त हो रहा है, अगर लाइन की मात्रा बढ़ा दीजिए थोड़ा सा तो ये 19 प्राप्त होने लगेगा, मतलब ये क्या होता है श्रिंकेज में कमी, लॉस इन श्रिंकेज, श्रिंकेज में कमी नहीं होने देता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब ये फ्लक्स का भी काम करता है, फ्लक्स क्या चीज़ होता है, फ्लक्स वो चीज़ होता है, मान लीजिए दो चीज़ें हैं, दो केमिकल कंपोनेंट हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स कर देंगे तो ये रिएक्शन करने लगेगी, या दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए इसका ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा है, और अगर हम फ्लक्स का यूज कर लेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होने पिघलने लगेगा, ठीक है, तो ये बात होती है फ्लक्स। अब फ्लक्स जब इसमें लाइम जो है फ्लक्स का काम करता है, मतलब कि जो आपका सिलिका होता है, सिलिका के मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए अगर मैं 1700 है तो 1700 सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन लाइम को मिला देने से यह 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होता है, पिघलने लगता है, ठीक है, तो ये फायदा होता है फ्लक्स मिलाने से, जो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने वाला था वो 1200 पर ही, मतलब कम हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, हमको कम टेम्परेचर ही देना पड़ेगा जिससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये फ्लक्स के रूप में भी काम करता है, समझ में आ गया, पाउडर फॉर्म में मिलाते हैं श्रिंकेज को कम करता है, ये फ्लक्स के रूप में काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को घटाएगा तो आसानी से वो चीज़ पिघल जाएगी जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तो वो दूसरे मटेरियल से बॉन्डिंग अच्छी तरह से बना लेगी, आप जानते हैं दो लिक्विड में बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से ये चीज़ें हैं। अब दोनों क्ले अथवा क्ले है यानी कि एलुमिना है और एलुमिना के साथ सैंड है, तो ये दोनों जब पिघलेगा तो आसानी से आपका ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। इफ एक्सेस यानी कि यदि अधिक हो जाए, लाइम की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा, लाइम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्रिक्स जो होते हैं डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म मतलब क्या, जो उसकी आकृति है, मान लीजिए आपको रेक्टेंगुलर प्राप्त करना है लेकिन ये रेक्टेंगुलर प्राप्त नहीं होगा,
वो किसी और रूप में हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं डिफॉर्म कर देती है, लाइन क्या कर देती हैं, ब्रिक्स को डिफॉर्म कर देती हैं। कब? जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तब। लेकिन अगर मैं प्रॉपर वे में मिलाए हैं तो ये सारे फायदे हैं, ये सारी अच्छाइयां हैं लाइन की। लेकिन अधिक मात्रा में मिला देंगे तो ये चीज़ें यहाँ से दिक्कत आने लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं। आयरन ऑक्साइड कैसा होता है आपको दिखाए हैं, नियर अबाउट रेड कलर का होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है बताइए आप लोग, कितना हम बताएं, कितना हम बोलें, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा 3% से 5% होती है। कितनी होती है डियर फ्रेंड्स? आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5% होती है। तो ये इतना समझ में आ गया कितना होती है आयरन ऑक्साइड की मात्रा। और आयरन ऑक्साइड जो होता है ईंट में क्या क्या काम करता है, रेड कलर प्रदान करता है। जैसे आप लोग देखते हैं ईंट क्या होता है, लाल रंग का होता है, रेड चेरी रेड कलर का होता है, ठीक है, चेरी रेड कलर का होता है। तो ये वो रेड कलर जो हो रहा है वो आयरन ऑक्साइड के ही कारण हो रहा है, ठीक। तो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रेड कलर प्रदान करता है, हार्डनेस प्रदान। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके शरीर में जितनी आयरन की मात्रा होगी उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा, ठीक है। आयरन की गोलियां भी लोग खाते हैं, तो इस तरह से ये सारी बातें होती हैं। और आप जानते हैं आयरन ऑलरेडी मजबूत होता ही है, तो वही चीज़ कह रहा है, आयरन ईंट को हार्डनेस प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आयरन ऑक्साइड हो गई। आयरन ऑक्साइड फ्लक्स के रूप में काम करेगा। फ्लक्स आपको बता ही दिए पीछे, अभी जस्ट बताएं फ्लक्स क्या कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। सिलिका का 1700 था तो 1700 की जगह पे 1200 कर दिया, तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। वाटर रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए ईंट है और ईंट एक इस पार से उस पार तक, एक पार से दूसरे पार तक अगर मैं आयरन ऑक्साइड की मात्रा नहीं है तो लगभग लगभग चला जाएगा इस पार से उस पार तक। लेकिन अगर मैं आयरन ऑक्साइड की मात्रा मिला देते हैं 3% से 5% तक, तो क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड इस ईंट के इस पार से उस पार तक बहुत कम या फिर नगण्य, मतलब कि उसमें एक पार से दूसरे पार तक, ईंट के एक पार से दूसरे पार तक पानी नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पानी चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है वाटर रेजिस्टेंस, तो वाटर रेजिस्टेंस का काम करता है। इम्परमिएबिलिटी, मान लीजिए जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, अगर में आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड मिला हुआ है, तो ये रंध्र बहुत कम पाए जाएंगे, ठीक, इम्परमिएबल बना देगा, परमिएबल नहीं इम्परमिएबल बना देगा, उसमें रंध्र की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आयरन ऑक्साइड के कारण क्या क्या चीज़ होता है, ये आपको पता चल गया, ठीक। अब द जेएन स्मार्ट क्लासेस के हैं, द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ लगे हुए हैं, तो डियर फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ, बस मेरे मित्र शेयर तो कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों से बस इतना ही तो एक उपेक्षा करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपसे यही इतना उम्मीद करते हैं ना कि आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। हम आप लोगों से कुछ मांगने जा रहे हैं, बताइए, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में लोग पढ़ने जाते हैं, लोग यहाँ एक अपने शहर को छोड़कर अपने घर को छोड़ करके न जाने कितनी किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर दूर इलाहाबाद दिल्ली जैसे शहरों, पटना जैसे शहरों में जाकर के लोग तैयारी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, आप दे रहे हैं 20,000 से, अच्छी कोचिंग में जाना है तो 25,000 से 50,000, IAS गेट वाले दे रहे हैं 70,000 से 1-1.5 लाख तक दे रहे हैं, 2-2 लाख तक दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो बताइए इतना पैसा आप लोग वेस्ट कर रहे हैं और मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, और वो IAS गेट जैसे तैयारी करा रहा हूँ, SSC जैसा तैयारी, SSC जैसे लेवल की तैयारी करा रहा हूँ, IAS जैसे लेवल की तैयारी करा रहा हूँ। तो बताइए आप लोगों का भी तो थोड़ा फर्ज बनता है, थोड़ा फर्ज क्या है, बस मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपसे एक चवन्नी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बस एक इतना ही कर दीजिए कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, मेरे लिए बस इतना ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक कर देते हैं, अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक कर देंगे तो ब्लैकिश कलर या डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं, आपको बताया गया है कैसा किस कलर में होता है, रेड कलर के ही, रेड कलर का ही होता है, और इसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, काली कलर की हो जाती हैं, तो ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक कलर में आ जाता है वो ईंट, ज़्यादा मतलब आयरन ऑक्साइड अगर में ज़्यादा मात्रा में है तो ब्लैकिश कलर में हो जाता है, या नीले कलर का भी आप लोग ईंट देखते हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों नीले कलर का हो जाता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा उसमें अधिक है इसीलिए वो नीले कलर का या थोड़ा सा ब्लैक कलर में आ जाता है वो हो जाता है, ठीक। यदि अगर मैं आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम कर देंगे तो पीले कलर का हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ईंट को देखेंगे, ईंट को देखने के बाद आप बता देंगे इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम है या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा उसमें है तो ब्लैकिश
या डार्क ब्लू होने लगेगा, अथवा अगर मैं आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम है तो क्या होने लगेगा, पीले कलर का, थोड़ा थोड़ा पीले कलर का होने लगेगा। और जैसा कि आप लोग देखते हैं ईंटों को, कहते हैं जो पीला कलर है वो थर्ड क्वालिटी ईंट है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बता देते हैं, देखते ही बता देते हैं ये थर्ड क्वालिटी है सेकेंड क्वालिटी, मैं सब बताऊंगा अभी आगे पूरी कहानी ही बताऊंगा। अब मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया हमको क्या प्रदान करता है, येलो कलर प्रदान करता है। ईंट में अगर मैं ये ईंट अगर मैं येलो कलर है तो दो रीजन होते हैं, क्या क्या, या तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए या मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक। तो ये दोनों कारण से हमारा येलो कलर प्रदान होता है, पीले कलर का हो जाता है हमारा ईंट, ठीक है। तो ईंट जान गए आप लोग क्यों पीले कलर का होता है, तो ये हो गया। अगर मैं मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा, डीके होने लगेगा और येलोइश कलर होने में लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बातें रहीं, डीके मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में टूटने लगता है, तो ये होती है डीके होना, ठीक है डियर फ्रेंड्स। क्या हो गया, डीके होना हो गया, ये येलोइश कलर आप लोग समझ गए, थोड़ा सा पीलापन आने लगता है, ठीक। तो येलो कलर तो प्रदान करता है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा मैग्नीशिया की मात्रा हम मिलाते नहीं हैं, ठीक। तो इसलिए अगर मैं ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो आपका येलोइश पीलापन कलर धारण करने लगता है। अब एल्केली की मात्रा आती है, एल्केली की मात्रा बताइए कितनी होती है, मैं आपको बताया हूँ एल्केली की मात्रा कितनी होती है, 1% से कम होती है, ठीक है। कितना, 1%, लेस देन कितना, लेस देन 1%, ठीक। तो 1% से कम किसकी मात्रा होगी, एल्केली की मात्रा होगी। एल्केली भी क्या करता है, फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स का मतलब मान लीजिए सिलिका, मैं बार बार सिलिका का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सिलिका हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, और जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक बाइंडिंग क्या होगा उसके साथ, सिल्ट और सिलिका दोनों एक दूसरे से बाइंडिंग नहीं बना पाएंगे, क्ले के साथ बाइंडिंग नहीं बन पाएगा, इसलिए उस टेम्परेचर तक तो जाना ही पड़ेगा। और उस टेम्परेचर तक जाने के लिए कुछ हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया ये है कि हम उसमें एल्केली की मात्रा मिला दें, या आयरन ऑक्साइड की मात्रा मिला दें, या लाइम की मात्रा मिला दें, और ये तीनों क्या है, फ्लक्स के रूप में काम करता है। मतलब जो 1700 डिग्री टेम्परेचर तक हमको पहुंचना था, लेकिन अगर मैं ये तीनों चीज़ें मिलाते हैं तो ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब यहाँ हमको एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है क्या, फ्लक्स होता है, ठीक। और ऑक्साइड, अगर मैं एल्केली उस अगर मैं एल्केली ऑक्साइड नहीं होता है, एल्केली ज़्यादा नहीं ऑक्साइड नहीं होता है, मतलब उसमें से बाहर नहीं निकलता है ईंट को क्या करते पकाते समय, तो दिक्कतें हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है मेरे मित्र, इसी के कारण जो ऑक्साइड बचे होते हैं, एल्केली के ऑक्साइड जो बचे हुए होते हैं वही फ्लोरोसेंस उत्पन्न करते हैं। मतलब आप देखते हैं ईंट भर भर करके, या आप उस पर हाथ लगाते हैं तो वो चीज़ें झड़ने लगती हैं, ईंट की ऊपरी लेयर झड़ने लगती हैं, गिरने लगती हैं, तो यही इफ्लोरोसेंस कहलाता है। और ये किसके कारण होता है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है इफ्लोरोसेंस का मेन रीजन क्या है, तो इफ्लोरोसेंस का मेन रीजन एल्केली है, एल्केली के कारण इफ्लोरोसेंस। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो जो चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, ये तो चीज़ें आपको समझने के लिए बताया हूँ कि ये चीज़ें हैं। अब देखिए बार बार क्या एग्जाम में पुटअप किया जा रहा है, यहाँ से पुटअप किया जा रहा है एल्केली से कि फ्लोरोसेंस का मुख्य कारण क्या है, ईंट में फ्लोरोसेंस का मुख्य कारण क्या है, तो आपका यही है एल्केली है, ठीक है। अब देखिए पूछता है फ्लक्स के रूप में कौन सा कार्य करेगा, तो फ्लक्स के रूप में एल्केली भी काम करेगा। फिर यहाँ देखिए ये चीज़ नहीं है, यहाँ देख लीजिए आयरन ऑक्साइड फ्लक्स के रूप में काम करता है, ठीक। क्या क्या देख रहे हैं, आयरन ऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया, एल्केली हो गया, और लाइम जो होता है ये भी फ्लक्स का काम करता है, क्या है, फ्लक्स का काम करता है। तो फ्लक्स समझ गए किसके किस कौन कौन से हैं जो फ्लक्स का काम करते हैं, लाइम भी फ्लक्स का काम करेगा, आयरन ऑक्साइड भी फ्लक्स का काम करेगा, और एल्केली भी फ्लक्स का काम करेगा, ठीक है। पूछता है डिफॉर्म ऑफ ब्रिक के डिफॉर्म होने का मुख्य कारण क्या है, तो डियर फ्रेंड्स लाइम की मात्रा अगर मैं अधिक कर देंगे, लाइम की मात्रा अधिक कर देंगे तो ईंट हमारी डिफॉर्म होने लगेगी, क्या होने लगेगी डियर फ्रेंड्स, ईंट हमारी डिफॉर्म होने लगेगी। तो ये डिफॉर्म होने लगती है, ये रीजन हो गया। अब हम आते हैं देखते हैं श्रिंकेज लॉस, मतलब ये पाउडर फॉर्म, हाँ लाइम को किस फॉर्म में मिलाते हैं, तो पाउडर फॉर्म में मिलाते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में चूने को नहीं मिलाते हैं, पाउडर फॉर्म में पीस करके ही मिलाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब आते हैं देखते हैं हार्डनेस, पूछता है एग्जाम में हार्डनेस प्रदान करने का
मुख्य कारण किसका है, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हार्डनेस प्रदान करता है, तो आपको आयरन ऑक्साइड पर क्लिक करके आना है, ट्रिक करके आना है। फ्लक्स के बारे में बता दिए, फ्लक्स तीनों प्रदान करता है, कौन कौन सा, आयरन ऑक्साइड भी प्रदान करता है, लाइम भी प्रदान करता है, एल्केली भी प्रदान करता है। हाँ डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और देख लीजिए, पूछता है वाटर रेजिस्टेंस कौन प्रदान करता है, तो डियर फ्रेंड्स वाटर रेजिस्टेंस जो होता है आयरन ऑक्साइड ही प्रदान करेगा। ठीक है, तो ऐसे पूछता है येल्लो कलर, येल्लो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो येल्लो कलर प्रदान करेगा, तो मैग्नीशिया हमारा येल्लो प्रदान करता है। ठीक है, येल्लो कलर प्रदान करता है, लेकिन अगर मैं इसकी मात्रा अधिक हो गई तो और ज़्यादा पीलापन और येल्लोइश कलर कर देगा। ठीक है, मैग्नीशिया की मात्रा अधिक हो गई, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और देखे हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका येलोइश कलर का होने लगेगा। तो ऐसे पूछेगा और आपके सामने आपके सामने विकल्प के रूप में रख देगा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब होता है क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये भी चीज़ होगा, हाँ पूछता है प्लास्टिसिटी कौन सा इंग्रेडिएंट है जो प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, तो डियर फ्रेंड्स प्लास्टिसिटी कौन प्रदान किया, क्ले जो होता है हमारा एलुमिना, इसको एक और नाम देते हैं एलुमिना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, या तो एलुमिना देगा या तो क्ले। ठीक है, तो आप इस पे प्लास्टिसिटी कौन प्रदान करता है, तो एलुमिना अथवा क्ले प्रदान करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बाइंडिंग का काम कौन करता है, तो बाइंडिंग का काम मेरे मित्र क्ले ही करता है। ठीक है, बाइंडिंग का काम सिल्ट, जो बालू है, सिलिका जो है आपके पास, जो बालू है वो क्या है, वो एक दूसरे से कभी नहीं बाइंड बनाते हैं, हमेशा और हमेशा बीच में क्या आना पड़ेगा, क्ले को ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्ले जो होता है वो बाइंडिंग प्रदान कर दिया, तो इस तरह से आप देख गए बाइंडिंग प्रदान कर दिया। ठीक है, फर्स्ट में देखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या प्रदान करता है, शार्पनेस प्रदान करता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है शार्पनेस किसके कारण आती है, तो बहुत से लड़के क्या करके चले जाते हैं, उस पे लगा देते हैं, किस पे लगाते हैं, क्ले पे लगा करके चले जाते हैं, लेकिन क्ले पर नहीं लगेगा डियर फ्रेंड्स। आप इसको बार बार मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ, शार्पनेस कौन प्रदान करता है, तो शार्पनेस आपका सिलिका प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया, शेप भी आपका सिलिका ही प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेंथ जो होता है, देखिए स्ट्रेंथ जो है आपका, ये आपका कौन प्रदान किया, स्ट्रेंथ आपका सिलिका प्रदान किया, लेकिन हार्डनेस, देखिए डियर फ्रेंड्स दो चीज़ें आ रही है, स्ट्रेंथ क्या चीज़ होता है और हार्डनेस क्या चीज़ होता है, मैंने मतलब जो आपकी बिल्डिंग मटेरियल, ये कौन सा दिन है, दसवां दिन चल रहा है, और दसवां दिन समझ रहे हैं, नौ दिन आपको पीछे का कवर कीजिए, हर एक चीज़ वहाँ नौ चैप्टर्स में रॉक को पूरा एकदम पूरा फुल्ली बहुत ही डिटेल से बताया गया है, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया गया है, तो रॉक को पढ़ लीजिए, बहुत सी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। जैसे हार्डनेस और स्ट्रेंथ आप नहीं समझ रहे हैं, हार्डनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या चीज़ होता है, हार्डनेस वो चीज़ होता है स्केच को बियर करना। ठीक है, एक एब्रिजन मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ रहे हैं, इसको बियर करना, ठीक है, ये हार्डनेस होता है। और ये किसके कारण होता है, हार्डनेस किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण हमारा ईंट हार्ड होता है। ठीक है, और आपका स्ट्रेंथ कौन प्रदान करता है, सिलिका। स्ट्रेंथ क्या होता है, लोड को बियर करना, मतलब ईंट कितना लोड बियर कर सकता है वो स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये किसके कारण आता है, आइए आता है सिलिका के कारण। तो मैंने हर एक चीज़ आपको बता दिया, क्या क्या हर एक चीज़ बता दिया, कैसे कैसे एग्जाम में, पहले तो मैं समझाया आप लोगों को कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं, उसका फ़ायदा नुकसान क्या है, फिर मैंने बताया कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी आगे मैं बताऊंगा। आगे और बताने से पहले 5-10 मिनट और पढ़ाना है, आगे पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि द जेईएन जैसा स्मार्ट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर सर्च मार लीजिए, पूरे यूट्यूब चैनल पर सर्च मार लीजिए, द जेईएन जैसा पढ़ाने वाला मिल जाए, द जेईएन स्मार्ट क्लासेस जैसा पढ़ाने वाला आपको मिल जाए, तब आप हमसे आकर के कहिए। ठीक है, तो ये बिल्डिंग मटेरियल जो आपको इतना स्ट्रांग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप चीड़ फाड़ के रख दीजिए, ये द जेईएन का ख्वाब है, द जेईएन का सपना है, जो पढ़िए उसको एकदम स्ट्रांग तरीके से पढ़िए और स्ट्रांग तरीके से क्वेश्चन को करके आइए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आज का आज अभी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो अभी का अभी आपके पास पहुँच जाए, बेल घंटे पर क्लिक कीजिए। पुराने लोग बहुत से लोग हैं, मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई भी मतलब कि मैं अपलोड करता हूँ कोई वीडियो, मैक्सिमम 100 लोग देखते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो गलती कहाँ है मेरे मित्र, मेरे कंटेंट में तो कोई गलती नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे कंटेंट में, मेरी पढ़ाई में कोई गलती नहीं है, गलती आप लोग कहाँ किए हैं, जो पुराने लोग हैं ध्यान से सुने, बेल पर क्लिक कर लें। ठीक है, बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ये क्यों 100 देख रहे हैं, 1,000, 1,500, 2,000 सब्सक्राइबर हैं, 3,000 सब्सक्राइबर हैं, तो क्यों आप लोग ये गलती कर रहे हैं, क्यों 100 लोग ही देख रहे हैं, क्यों पूरे के पूरे लोग नहीं देख रहे हैं, तो घंटी पर तुरंत दबाइए ना,
फिर आप कमेंट करके बताइए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों की इतनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप लोग मुझे कमेंट करके एक आप रिप्लाई नहीं दे सकते। आपको आप लोगों के लिए मैं 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करता हूँ, आप लोग बस 1 मिनट का समय मेरे लिए नहीं निकाल पाते हैं, ना वीडियो को शेयर कर पाते हैं और ना ही कमेंट करके हमको बताते हैं सर आप कैसे पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। यार डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा कीजिए, क्या करना है कमेंट करके बताइए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर ही तो करने के लिए कह रहा हूँ आपसे, आपकी जमीन जायदाद तो मांग नहीं रहा हूँ, तो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ और द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ कंटिन्यू लगे रहिए। और देखिए अब कल हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर यानी 11वां दिन कौन सा होगा, क्या चीज होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक, तो अभी आपका ब्रिक ही चलेगा, ब्रिक में हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, फील्ड टेस्ट क्या होता है, जैसे आप जाते हैं तो आप फील्ड में जाते हैं तो देख करके ही आप बता दें फील्ड टेस्ट क्या क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना है। ब्रिक का फील्ड टेस्ट कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चर ब्रिक का निर्माण कैसे करेंगे, निर्माण करने के लिए कौन कौन सी टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। फिर बर्निंग, अगर मैं समय बचा तो मैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को कैसे जलाया जाता है, ठीक है, कैसे उसको पकाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट मत समझिए, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग कहते हैं सर नीडिंग, और नीडिंग क्या चीज़ होता है, ठीक है, ब्लेंडिंग और नीडिंग में क्या डिफरेंस है, मैं बताऊंगा ब्लेंडिंग और नीडिंग में क्या डिफरेंस है, पगिंग क्या चीज़ होता है, नीडिंग क्या, तो ये सारी चीज़ें मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा डियर फ्रेंड्स आप लोगों को। ठीक है, इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेहनत संघर्ष करते रहिए, जिस जोश जुनून से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसी जोश जुनून से आप लोग भी पढ़ते रहिए, हर एक चीज़ याद करते रहिए। ठीक है, अगर मैं कोई दिक्कत होती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 7054496497। ठीक है, 7054649 and 7 ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर मैं याद करना चाहते हैं तो 7054 बस इतना ही याद करिए, 7054, ये देखिए यहाँ पर 6 है और लास्ट में 9 है 7 है, 6 लास्ट में 7 बीच में 4 times 9 है, 4 बार 9 है। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 7054 बस याद कर लीजिए, शुरू में 6 है अंतिम में 7 है, तो इस तरह से आप बीच में 4 times 9 है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। और हाँ डियर फ्रेंड्स, मेरे पास कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पे आप हमसे जवाब ले लीजिए, कुछ भी आप हो जो दिक्कत हो, और आप किसके साथ पढ़ रहे हैं, द जेएन स्मार्ट क्लासेस के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ा कौन रहा है आपको, इंजीनियर राहुल गुप्ता आपके साथ लगे हुए हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट 1 सीट इन एनी एग्जाम, IAS हो या गेट हो या PSU हो या SSC JEE हो या स्टेट लेवल हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, किसी भी आपका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें एक सीट लेने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।